जय हिंद साथियों, सेना भर्ती रैली को लेकर लगातार हम आप तक अच्छी खबरें पहुंचा रहे हैं और आज भी हम आपको एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं। यह खबर हरियाणा के युवाओं के लिए है और हरियाणा के रोहतक में जो सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाना है उसको लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। सेना की ओर से यह अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि रोहतक में 20 अगस्त से सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर रोहतक के ही एक न्यूज़पेपर में खबर आई है। हालांकि हमने इस खबर के बाद भी कुछ युवाओं को यह कहकर सेना भर्ती कार्यालय भेजा है कि आप इस खबर के बारे में जाकर पुष्टि करें, हमें इसके बारे में जानकारी दें कि क्या सेना भर्ती कार्यालय में ऐसी कुछ जानकारी है। इसके बाद कुछ युवा रोहतक सेना भर्ती कार्यालय पहुँचते हैं और वहाँ जाकर जब उन्होंने देखा तो वाकई में जो खबर में बताया जा रहा है वह जानकारी बिल्कुल सही है। रोहतक सेना भर्ती कार्यालय के बाहर सेना की ओर से एक नोटिस चस्पा किया हुआ है जिसमें यह बताया जा रहा है कि रोहतक में 20 अगस्त से 3 सितंबर तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। तो चलिए साथियों, आपको बताते हैं पूरी खबर सेना भर्ती के बारे में। सेना भर्ती अधिकारी कर्नल रतनदीप खान ने इसको लेकर और क्या क्या जानकारी दी है। देखिए साथियों, इसमें बताया गया है कि सेना भर्ती रैली 20 अगस्त से 3 सितंबर तक स्थानीय राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इसमें रोहतक जिले के साथ ही झज्जर, सोनीपत व पानीपत जिले के युवा हिस्सा लेंगे। सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल रतनदीप खान ने बताया कि सेना भर्ती रैली को फिर से निर्धारित किया गया है, यानी इस सेना भर्ती को लेकर फिर से एक बार शेड्यूल जारी किया गया है, भर्ती को लेकर नई तिथि जारी की गई है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोरोना को लेकर हालात सामान्य नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में इस भर्ती को फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इस भर्ती में सिर्फ वही युवा शामिल हो सकते हैं जिन युवाओं के पूर्व में ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं। सेना भर्ती में शामिल होने के लिए अब फिर से ऑनलाइन आवेदन नहीं किए जाएंगे। जिन जवानों ने सेना भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं उन युवाओं के एडमिट कार्ड उनके रजिस्टर्ड जीमेल आईडी पर मेल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जैसे ही सेना भर्ती रैली की तिथि नजदीक आएगी और हालात सामान्य रहते हैं तो सेना भर्ती रैली कराए जाने को लेकर और अधिक जानकारी मीडिया के माध्यम से युवाओं को दे दी जाएगी। तो साथियों, यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, आपके लिए वेरी वेरी गुड न्यूज है। और जो युवा काफी समय से सेना भर्ती रैली का इंतजार कर रहे थे उनके लिए अब बहुत जल्द सेना भर्ती रैली शुरू होने जा रही है। इसके अलावा हम देश के उन तमाम युवाओं से भी कहना चाहेंगे जो सेना भर्ती रैली की तैयारी कर रहे हैं कि आप भी अब बिना देरी किए अपनी तैयारियों में जुट जाएं, अपनी तैयारियों में पूरा जी जान लगा दीजिए क्योंकि आपकी सेना भर्ती रैली भी बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।